क्या गोजो सच में नेक्स्ट चैप्टर के अंदर वापस आएगा? जुजुत्सु कैसन के लेटेस्ट चैप्टर के अंदर गोजो की एकदम से मौत होने के बाद में सारे के सारे फैन लोग एकदम से पगला चुके हैं, क्योंकि पूरे जुजुत्सु कैसन के सीरीज के अंदर गोजो अकेला ही ऐसा बंदा था जो कि सुकुना को हराने की ताकत रखता था। माना कि जुजुत्सु कैसन सीरीज के अंदर और भी बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर्स है जैसे काशिमो हो गया, युता हो गया, लेकिन वो सुकुना के सामने इतना कुछ नहीं है, क्योंकि गोजो के डेथ के बाद जब वो आफ्टर लाइफ में जाता है तब वो बोलता है कि सुकुना ने मेरे खिलाफ अपनी पूरी पावर यूज ही नहीं करी थी। अगर हम यहाँ पर देखें तो सुकुना यहाँ पर गोजो के साथ बस खेल ही रहा था स्टार्टिंग से, बस वो गोजो का एक तरीके से मजाक ही बना रहा था। सुकुना ने स्टार्टिंग से धीरे धीरे करके माओरा को गोजो के सारी की सारी एबिलिटीज को अडॉप्ट कर दिया, बाद में जाके गोजो का दी एंड कर दिया। अभी माना कि युता और काशिमो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर सोर्सर है, लेकिन जहाँ पे गोजो सुकुना के सामने टिक नहीं पाया, और यहाँ पर अभी तक सुकुना ने अपनी ट्रू पावर्स को रिवील ही नहीं करा है, ना ही उसके पास में वो लास्ट वाली फिंगर है। इसका मतलब यहाँ पर अभी सुकुना के पास में कुछ ज्यादा हिडन पावर्स पड़ी है, लेकिन यहाँ पर जेजे के सीरीज में कोई भी बंदा नहीं बचा जो कि सुकुना के सामने टिक पाएगा। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा कि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकते हैं कि गोजो क्या सच में वापस आ पाएगा। अगर गोजो सच में वापस भी आ गया तो क्या फिर से लड़ने की हालत में रहेगा? क्या उसके पास में अपनी पुरानी वाली बॉडी रहेगी या वो पूरी तरीके से रिकार्नेट या रिबॉर्न होके आएगा? क्योंकि इस वाले चैप्टर के बाद में यहाँ पर जेजे के सीरीज के अंदर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो जाती है, क्योंकि गोजो का इतना स्ट्रांग होने की वजह से वो एक टाइप से जेजे के सीरीज के लिए एक तो वरदान भी था और दूसरी तरफ वो काफी ज्यादा बड़ा श्राप भी था, क्योंकि यहाँ पर इकलौते गोजो के इस वाले सीरीज के अंदर होने की वजह से इस वाली सीरीज की स्टोरी कुछ ज्यादा आगे बढ़ी नहीं रहती। और यहाँ पर यही रीजन था कि ऑथर को बार बार गोजो को साइड में रखना पड़ता था या उसको कैद कर देना पड़ता था जिसके उसे स्टोरी आगे बढ़ पाए, क्योंकि ऑथर ने यहाँ पर गोजो को इतना ज्यादा स्ट्रांग करके रखा है कि जिसके सामने मेन कैरेक्टर भी काफी ज्यादा फीका रखता है। यहाँ पर जुजुत्सु कैसन के ऑथर के लिए गोजो एक टाइप से उसके रास्ते का कांटा बन चुका था जिसकी वजह से इसकी स्टोरी आगे बढ़ी नहीं पा रही थी, इसलिए उसको गोजो को अपने रास्ते से हटाना पड़ा। तो मानो ना मानो यहाँ पर अभी ये सैड ट्रूथ भी हो सकता है कि गोजो सच में जा चुका और अभी ऑथर के कोई प्लान भी नहीं कि गोजो को स्टोरी के अंदर फिर से वापस लाया जाए, क्योंकि यार ऑथर को मेन कैरेक्टर के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करने तो भाई उसकी कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो रही है। वो बंदा अपने कितने सारे दोस्तों को खो चुका है, बंदा पूरा का पूरा डिप्रेशन के अंदर चला चुका है, अभी उसके सेंस भी नहीं रहे। अगर यहाँ पर गोजो वापस भी आ जाता है तो उसको एक टाइप से एनपीसी बना दिया जाएगा, उसकी सारी की सारी पावर छीन ली जाएगी। यहाँ पर पहली पॉसिबिलिटी यह है कि गोजो अपने आप को हील कर लेगा अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके, क्योंकि वहां पर उसका हेड सही सलामत है। अगर गोजो अपने आप अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक यूज भी नहीं कर पाता है तो वहां पर दो तीन कैरेक्टर ऐसे है जो कि गोजो को बचा सकते हैं, जैसे युता हो गया। अगर ये वाली चीज भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी तो वहां पर केंजाको तो है जो कि 100% गोजो की बॉडी को अपना बनाना चाहेगा, या केंजाको गोजो की रिकनेक्ट होने के लिए मदद भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर इसके चांसेस काफी ज्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पर बात रही सुकुना की तो सुकुना यहाँ पर जेजे के सीरीज का मेन विलन भी नहीं है। यहाँ पर मेन विलन तो है केंजाको जो कि यहाँ पर गोजो के बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। अगर उसके पास में गोजो की बॉडी चलेगी तो यहाँ पर अल्टीमेट विलन बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि केंजाको का दिमाग और भाई गोजो की पावर्स तो यहाँ पर एक अल्टीमेट विलन बन के तैयार हो जाएगा जिसका सामना इतादोरी को करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर इतादोरी कैसे भी करके सुकुना को अपने कंट्रोल में कर लेता तभी जाके वो केंजाको या कह सकते गोजो सातोरु के इविल फॉर्म को हरा पाएगा। अगर यहाँ पर सच में गोजो सातोरु मारा जाता है तो इसके आगे मल्टीपल पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसकी वजह से जेजे की सीरीज काफी ज्यादा आगे बढ़ सकती है। और यहाँ पर उल्टा भी हो सकता है कि इन लोगों ने भाई गोजो सातोरु को मार दिया, लोगों ने भाई जेजेको को देखना ही बंद कर दिया या मांगा ही पढ़ना बंद कर दिया। तो आपको क्या लगता है, क्या गोजो सातोरु सच में वापस आ पाएगा? क्या आप गोजो और केंजाको एज अ मेन विलन देखना पसंद करोगे? इसके बारे में अपने थॉट्स मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।